द कश्मीर फाइल्स पर खूब सारी टिप्पणियां आ रही है। इसी बीच आरजे साइमा की एक टिप्पणी पर कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर हैं वो बिफर गए हैं और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आइए जानते हैं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे बताया जा रहा है कि कश्मीरी युवक को दिल्ली के एक होटल में कमरा देने से मना कर दिया। दरअसल यह ट्विटर पर एक नासिर नाम के शख्स द्वारा ट्वीट किया गया है, जिसके बाद द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और रेडियो जॉकी साइमा आमने सामने आ गए हैं और इतने आमने सामने आएंगे तीखे हमले हो रहे हैं। विवेक ने तो साइमा को यहां तक कह दिया कि कभी अपने शो पर बुलाइए जहां पर मैं अपनी खुद की बात रखूंगा। रेडियो जॉकी साइमा के ट्वीट पर कोट करते हुए विवेक अग्निहोत्री लिखते हैं कि मोहतरमा आप आरजे हैं, कभी बुलाइए अपने रेडियो शो में, मिलके बातचीत करते हैं और दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, मंजूर हुए तो डीएम करिए मुझे। लेकिन साइमा का अभी तक इस पर कोई ट्वीट नहीं आया है। हालांकि साइमा ने एक ट्वीट मेंशन करते हुए लिखा था कि द कश्मीर फाइल्स का प्रभाव देखिए, दिल्ली के एक होटल में पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद कश्मीरी व्यक्ति को रूम देने से इनकार कर दिया गया है। क्या कश्मीरी होना अब भारत में अपराध बन चुका है? जिसके जवाब में साइमा ने विवेक अग्निहोत्री को मेंशन करते हुए कोट किया था कि शुरू हो चुका है विवेक अग्निहोत्री। वहीं इस ट्वीट के बाद लोगों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। तमाम लोग साइमा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, साइमा को ट्रोल कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग अग्निहोत्री के बचाव में आ रहे हैं। वहीं रईस पठान नाम के एक यूजर ने लिखा है कि साइमा ने अपना जजमेंट दे दिया है विवेक जी, अब आप उससे डिबेट का न्योता देकर एक अबला मुसलमान नारी को परेशान न करें, अगर उन्होंने अपना विक्टिम कार्ड खेल दिया ना तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। जबकि एक यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा साइमा को इंगित करते हुए कि हां सब कुछ विवेक के ऊपर निर्भर करता है, घटनाओं की तारीखों की जांच करें तो यह कई वर्षों से विवादास्पद है, कुछ मामले सुरक्षा से संबंधित हो सकते हैं, खैर कारण कोई भी हो लेकिन हमें तो बस द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ एजेंडा चलाना है और लोगों को उकसाना है। नब्बे के दशक में कश्मीर की घाटी में पंडितों के ऊपर जो खूब अत्याचार हुआ था जिसे लेकर इस मूवी को बनाया गया है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म जो कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है, जिसे देखने के बाद देशवासियों में एक अलग ही प्रकार की भावना जाग रही है। वहीं इस फिल्म को कई राज्यों में टैक्स फ्री भी कर दिया गया है और इस वजह से भी लगातार लोग इसको देखने के लिए जुट रहे हैं। फिर सिनेमा हॉल्स के बाहर ये बिल्कुल हाउसफुल नजर आती है। गौरतलब है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बन गई है, 200 करोड़ के आंकड़े को ये पार कर चुकी है। छोटे बजट की ये हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी है और नए-नए रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। बात अगर करें हम अमेरिका से तुलना करने की तो संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की प्री स्क्रीनिंग के दौरान रोड आइलैंड के राज्य प्रतिनिधि ब्रायन पैट्रिक की कैनेडी ने विवेक रंजन अग्निहोत्री को उनके फिल्म को लेकर बधाई दी है। मतलब कि इस फिल्म को अब भारत के बाद विदेशों में देखने की भी तैयारी हो सकती है और विदेशों में जब इसको देखा जाएगा तो हो सकता है वहां से भी तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आए। वहीं इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी फिल्मों में भी डब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो जिससे कि इस पूरे देश भर में इस फिल्म को दिखाया जा सके। और इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो तो आप स्वयं देख ही रहे हैं। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आरजे साइमा का जो ट्वीट आपने पढ़ा, समझा, सुना वो आपको कैसा लगा? धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे थे बिग हेडलाइंस।